मेहता का उल्टा चश्मा। वो सेठ जी, मैं और बावरी जी कल कबूतर को चने खिलाने नहीं जा पाए ना, इसलिए आज बावरी जी ने तय किया है कि उसका प्रायश्चित करने के लिए कबूतर को डबल चने और गाय को घास खिलाने जाते हैं। देखो, ये धर्म का काम करना अच्छी बात है, लेकिन ये तो किसी भी छुट्टी वाला दिन हो सकता है, आज ही करने की क्या जरूरत है? सेठ जी, आज का दिन बड़ा खास है। क्यों, आज क्या है? आज मुझे और बावरी जी को मिले 13 महीने हुए। अरे, 13 का आंकड़ा अशुभ होता है, उसे मनाते नहीं है। लेकिन बावरी जी ऐसा नहीं मानती, वो तो 13 के अंक को बहुत शुभ मानती है। तो जाऊं? अरे क्या जाऊं, कुछ अक्कल वक्कल है क्या? नहीं, 2 दिन से यहाँ दुकान में धंधा नहीं हो रहा है और तुझे छुट्टी मांगते हुए शर्म नहीं आती? सेठ जी, कूल, पॉजिटिव। अरे इसे समझाइए पॉजिटिव। देख भाई, ये बावरी के बारे में सोचने की जगह ये सोच कि हम दुकान में धंधा कैसे बढ़ाए, कोई छुट्टी उठी नहीं मिलेगी। ओ, सर भारी हो गया मेरा तो। नंटू काका, मैं जरा गोडाउन में हूँ। बावरी के चक्कर में समुद्र भागा भी बावरा हो गया। बोलिए बोलिए मेहता साहब। हाँ भाई जेठालाल, कैसा चल रहा है व्यापार? अगर तुम्हारी भाषा में कहूँ तो वो क्या बोलते हैं, ग्राहकी अच्छी चल रही है ना? अरे नहीं मेहता साहब, समझ में नहीं आ रहा किसकी नजर लग गई है, कुछ दोरा धागा करना पड़ेगा। क्या दोरा धागा जेठालाल, फिर से तुम नकारात्मक बातें करने लगे। मैंने कहा था ना, नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव रहो, हंसते रहो, खुश रहो। हसमुख लाल, खुश रहो। अरे कैसे हंसता रहूं मेहता साहब, बिना कस्टमर के अगर हंसता रहूंगा तो लोग समझेंगे धंधा नहीं हो रहा है, इसके गम में मैं पागल हो गया हूं। पर आज ऐसा क्या हो गया जेठालाल, कल तो तुम बड़े पॉजिटिव थे, बहुत पॉजिटिव बातें कर रहे थे। अरे मेहता साहब, आज सुबह से मैं पॉजिटिव ही था, घर से दुकान आने के लिए निकला तो एकदम हकारात्मक था। वो दंत मंजन की जाहिरात में नहीं, दांत दिखा दिखा के हंसते, ठीक ऐसे में ऐसे दांत दिखा दिखा के हंस रहा था, लेकिन दुकान पहुंचा के दिमाग गया। ये भागा, अभी तो मैं दुकान पहुंचा हूँ तो मुझसे बोलते है सेठ जी आज मुझे छुट्टी चाहिए। अच्छा अच्छा, क्यों? तो बोले मुझे और बावरी को मिले आज 13 महीने पूरे हुए। मैंने बोला भाई 13 का आंकड़ा तो अशुभ होता है, तो बोलते है नहीं, बावरी के लिए शुभ आंकड़ा है, इसलिए आप दोनों मिलके हम लोग ये पूरा दिन मनाना चाहते है। ये बाघा की खोपड़ी में दिमाग की जगह बावरी घुस गई है, और बावरी को तो खोपड़ी है ही नहीं। अभी आप ही बताइए, ऐसे में मैं कैसे हकारात्मक रहूं? कूल जेठालाल, ठीक है चल फिर। अच्छा एक काम करते हैं, मैं शाम को घर पे आता हूँ, वहां बैठ के आराम से बात करते हैं, ठीक है? ठीक है मेहता साहब। दया, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर मेरा दिमाग खाने के लिए तूने मुझे फोन किया है तो मेहरबानी करके सारा पच्चा अभी कभी फोन रख दे प्लीज। अरे टप्पू के पापा, आज तो आप खुशखुशाल रहने वाले थे ना, क्या हुआ? अरे वही धंधे का टेंशन भाई, चल छोड़ ना, तू बोल फोन क्यों किया? मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया कि मेरी अभी माँ से बात हुई, मैंने माँ को सुख सुख के बारे में पूछा। हाँ तो क्या कहा माँ ने? तो माँ ने ऐसा कहा कि कभी कभी बुरा वक्त आता है, माता जी हमारी परीक्षा लेते हैं, और उस वक्त अपना दिमाग एकदम शांत रखना चाहिए, गुस्से पे ट्रंकल रखना चाहिए। और वैसे टप्पू के पापा, मेरी प्रार्थना तो सतत चालू ही है कि सब ठीक हो जाए। और हाँ, मैंने खास कहा है कि कोई ना कोई तो जरूर आएगा शुभ कदम लेकर, जिसके कदम पड़ते ही दुकान में घर की बढ़ जाएगी और सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, चल। हाँ हाँ हाँ, बाय बाय। ये लीजिए साहब, आपके लिए फालूदा। फालूदा? नहीं नहीं, मैंने नहीं मंगवाया, नटू काका ने मंगवाया आपके लिए। अरे यहाँ धंधा हो नहीं रहा और फालूदा मंगवाया जा रहा है, उठाओ उठाओ इसको उठाओ, चलो मेरे साथ दुकान में चलो चलो। आओ आओ अंदर आओ, नटू काका भागा। क्या हुआ? जी सेठ जी। नटू काका, ये क्या है? फालूदा है? बोलो, मुझे तो पता ही नहीं था ये क्या है। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि फालूदा किस खुशी में मंगाया है? आपका गुस्सा ठंडा करने के लिए। ग्राहकी आज नहीं है तो कल हो जाएगी, पर सेहत अगर आज खराब हो गई तो कल ज्यादा तकलीफ हो सकती है।
इसलिए फालूदा पीजिए और गुस्से को ठंडा कीजिए। हाँ सेठ जी, अगर आपको मुझे छुट्टी नहीं देनी है तो मत दीजिए, लेकिन उसके लिए आप अपनी सेहत मत बिगाड़िए, पॉजिटिव रहिए। हाँ, यूं समझिए कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं। पीजिए, फालूदा पीजिए। नहीं, अभी फालूदा पीने का मन नहीं है, सॉरी भाई, थैंक यू, वापस लेके जाओ। सेठ जी जाइए, शांति से गोडाउन में जाकर बैठिए। नमस्ते ठेकालाल जी। अरे ठेकालाल नहीं, तूने क्या मेरा नाम बिगाड़ने का ठेका ले रखा है? कुल सेठ जी कुल, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। बावरी जी, सेठ जी का नाम जेठालाल जी है, हर बार आप बागेश्वर जी गलती से मिस्टेक हो जाती है। बावरी, मैंने तुम्हें मना किया है ना कि दुकान में नहीं आने का, तो क्यों बार बार आ जाती है? वो क्या है ना, आज हम दोनों को मिले हुए 13 महीने हो गए। आज हमने कबूतरों को डबल चने और गाय माता जी को। हाँ, वो बाघा ने मुझे बताया, लेकिन बाघा नहीं आ सकेगा क्योंकि मैंने उसे छुट्टी नहीं दी है। जाओ तुम यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। बाघा। बावरी जी प्लीज। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं यही कोने में चुपचाप खड़ी रहूंगी पुतले की तरह बस। कैसी जिद्दी लड़की है ये तेरी। मैं हड़ा हड़ इसके मुंह पे कह रहा हूँ कि मेरी दुकान से निकल जा, तो भी धीट की तरह खड़ी है। देख बाहुरी, अगर तू बागा से सच्चा प्यार करती है और अगर तेरे अंदर जरा सा भी स्वमान जैसा कुछ है, तो अभी कभी यहाँ से चली जा। और कसम खा कि चाहे आसमान झुक जाए, धरती फट जाए, तू अपना कदम मेरी दुकान में नहीं रखेगी। नहीं रखेगी मतलब नहीं रखेगी। मुझे एक बढ़िया सा टीवी दिखाएंगे? हाँ जरूर जरूर, आइए अनटो काका, एक टीवी दिखाइए। आइए 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 आइए। देखिए ये बेस्ट टीवी है, आपको पसंद आएगा। हमें एक फ्रिज चाहिए और लेटेस्ट मॉडल दिखा। जरूर बागा, इनको फ्रिज दिखाना। आइए आइए मैडम, आइए 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 बहन जी, आइए, बोलिए बोलिए। मुझे एक अच्छा सा फ्रिज दिखाइए ना। जरूर। अरे बागा, इनको भी एक फ्रिज दिखाना। आइए बहन जी, आइए 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 मैडम, आइए 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 भाई साहब, आइए। मुझे एक 52 इंच का अच्छा LED दिखाइए। और पापा मोबाइल भी। हाँ, और इसके लिए टच स्क्रीन वाला अच्छा वाला मोबाइल। बिल्कुल, अरे एक से एक बढ़िया है। नटो काका, इनको 52 इंच का टीवी दिखाइए और एक मोबाइल भी दिखाना बेटे को। हाँ हाँ भाई, तू क्यों खड़ी अभी यहाँ? तू जाने भाई, कस्टमर सब बिजी है इधर। चल चल निकल, चल भाई तू जा अभी। सेठ जी, 2 फ्रिज और 1 LED की डिलीवरी का मैं जरा मगन को बोल के आता हूँ। बोल क्या, शाबाश शाबाश, बोल क्या बोल क्या। नटू काका जी। जी सेठ जी, आज तो अच्छा धंधा हो गया नहीं? मजा आ गया जी। सेठ जी, कुछ गौर किया आपने क्या? अभी कौन आया था? सब ग्राहक? नहीं, ग्राहक आने से पहले कौन आया था? ग्राहक आने से फालूदा वाला। फालूदा वाला और ग्राहक के बीच में कौन आया था? कोई नहीं, बावरी आई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बावरी के आने से पहले कोई नहीं था, हम ग्राहक के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बावरी के आने के बाद कस्टमर्स की लाइन लग गई। इसका मतलब ये हुआ कि बावरी के कदम शुभ है। क्या? हाँ, बावरी के आने से पहले दुकान खाली खाली थी,
उसके कदम दुकान में पड़ने के बाद कस्टमर्स की लाइन लग गई। सेठ जी अब तक 75,000 का बिजनेस हो चुका है। अरे वो तो मैं आज सुबह से पॉजिटिव हूँ, उसकी वजह से हुआ है। बावरी आने से पहले आप पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके थे, याद कीजिए। ये सब बावरी के कदम पड़ने के बाद ही हुआ है। लट्टू काका की बात तो सही लग रही है, पर दया ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। मैंने खास कहा है कि कोई ना कोई तो जरूर आएगा शुभ कदम लेकर, जिसके कदम पड़ते ही दुकान में घरागी बढ़ जाएगी और सब अच्छा हो जाएगा। सेठ जी, बावरी के कदम सच में शुभ है। आप जिस लक को ढूंढ रहे थे वो लक बावरी है। अरे बाप रे, अगर सच में ये सच है फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई मुझसे। मैंने बावरी को बहुत बुरी तरह हड़दूत करके निकाला है यहाँ से। बहुत नाराज किया है मैंने उसे। नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए बावरी को वापस दुकान में लाना ही पड़ेगा। नटू काका, वो तानाजी टेम्पो वाले को फोन करके कल सुबह 11 बजे 2 फ्रिज और 1 टीवी की डिलीवरी के लिए बोल देना। ठीक है। वाह वाह भागा, हैं भागा का सब काम एकदम चौकस है। भागा एक सेकंड जरा इधर आता। भागा, मुझे थोड़ा बावरी से काम है तो उसको जरा दुकान में बुला। लेकिन सेठ जी, आपको तो बावरी जी दुकान में आए ये पसंद नहीं है ना? पसंद नहीं है? नहीं, पसंद नहीं है था। अभी बावरी दुकान में आए वो मुझे पसंद है, बहुत बहुत पसंद है। अरे वाह सेठ जी, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप में अचानक ये बदलाव कहाँ से, कैसे और क्यों आया? बाघा, मुझे आत्मज्ञान हुआ है कि बावरी के कदम शुभ है और मैं जो लक को ढूंढ रहा था वो बावरी ही है। तूने देखा नहीं, उसके आने के बाद हमारी दुकान में ग्राहकों की लाइन लग गई। कुछ भी कर भागा, बावरी को यहाँ बुला। लेकिन सेठ जी, भागा देख, अगर तूने बावरी को मना लिया ना तो मैं तुझे, तू जब भी छुट्टी मांगेगा मैं दूंगा। सच? हाँ। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। मैं अभी बावरी जी को फोन करता हूँ। लगा 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 लगा। हाँ बावरी जी, कहाँ है आप? सेठ जी आपसे मिलना चाहते हैं। क्या, क्यों, क्या हुआ, क्या कहा? वो बावरी जी आपसे बहुत नाराज हैं। वो कह रही है वो दुकान में अब कभी नहीं आएंगी। नहीं नहीं ऐसा मत बोल बागा, बावरी को हमारे दुकान में आना ही पड़ेगा। एक काम करते, हम दोनों अभी कभी उसको जाके मिलते हैं और उससे माफी मांग लेते हैं। मैं क्यों माफी मांगू, मैंने क्या किया? अरे बागा, सेठ जी माफी मांगेंगे, है ना सेठ जी? हाँ हाँ, मैं माफी मांगूंगा भाई, और कौन मांगेगा, मैं ही मांगूंगा ना। तू साथ में चल तो सही। चलिए सेठ जी। लट्टू काका, हम लोग बावरी को मना के आते हैं, फतह करो। हाँ चल चल आ जा। बागा, बावरी मानता जाएगी ना? कुछ भी हो भागा, बावरी माननी ही चाहिए, हमारी दुकान में आनी ही चाहिए। क्या हुआ, हंस क्यों रहा है? नहीं कुछ नहीं। अरे बोल। सेठ जी, पहले आप कहते थे कि बावरी जी दुकान में नहीं आनी चाहिए और अब आप कह रहे हैं कि बावरी जी दुकान में आनी ही चाहिए, इसलिए थोड़ा मजा आ गया। तो सॉरी सेठ जी। रुको रुको भाई,
रिक्शा यही रोक दो। ये तो मंदिर है, बावरी मंदिर में रहती है। नहीं नहीं सेठ जी। अच्छा अच्छा, बावरी मान जाए इसलिए मंदिर में मन्नत मान कर जाना है। अच्छा अच्छा विचार है भगवा। नहीं सेठ जी, बावरी जी का जब भी मूड ऑफ होता है तब वो यहीं आकर बैठती है। आइए। वो रहे बावरी जी। आश मिल गई बावरी। जा मना। मैं? सेठ जी, बावरी जी आपसे रोटी है, मुझसे नहीं। हाँ वो भी है, तो साथ में तो आएगा ना। हाँ हाँ सेठ जी। चल बावरी कैसी हो? प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, मैं बहुत दुखी हूँ। देखो बावरी, ऐसा नहीं बोलते। मैंने तुम्हें जो कुछ कहा उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अभी तुम जब चाहो तब मेरे दुकान में आ सकती हो। तुम जब कहोगी तब मैं बागा को छुट्टी देने को तैयार हूँ। बस सच? हाँ। मैं ऐसे ही खुश होती अगर आपने मुझे डांटा ना होता। लेकिन अब मैंने तय कर लिया कि मैं आपकी दुकान में कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। ए, बावरी, ऐसा कठोर वचन नहीं बोलते बेटा। देखो जिस दुकान में तुम्हारे भगवान बागेश्वर जी खुद साक्षात विराजते हो, वहाँ तुम उनके दर्शन के लिए ना हो तो ऐसा थोड़ी चलता है। क्यों बागा? बागेश्वर जी? बावरी जी प्लीज मान जाइए ना। सेठ जी ने मुझे प्रॉमिस किया है कि आज के बाद वो कभी भी हमारी लव स्टोरी में विलन नहीं बनेंगे। नहीं सेठ जी, देखा? नहीं, लेकिन फिर भी नहीं आ सकती। क्यों? कैसे आऊं? आपने तो मुझे हमारे प्यार की कसम दी है। कसम खा कि चाहे आसमान झुक जाए, धरती फट जाए, तू अपने कदम मेरी दुकान में नहीं रखेगी। नहीं रखेगी मतलब नहीं रखेगी। मैं अपने प्यार की कसम कैसे तोड़ सकती हूँ? बस इतनी सी बात है, अभी उसका निवारण करते हैं। देखो यहाँ सृष्टि के कर्ता हर्ता बाबा भोलेनाथ जी विराजे हैं, तो उनके सामने मैं अपनी कसम वापस ले लेता हूँ। सुनना, अपने कान खुले रखना। भोलेनाथ जी, मैंने जो बावरी को कसम दी है वो मैं वापस लेता हूँ। अब वो जब चाहे तब मेरी गड़े इलेक्ट्रॉनिक्स में आ सकती है और उसकी जितनी मर्जी हो उतनी देर वो रह सकती है। मैं कभी विरोध नहीं करूँगा। बस अब तुम मेरी कसम से मुक्त हो, चलो। थैंक यू दादालाल जी। आप लोग जाइए, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। क्यों थोड़ी देर बाद क्यों? मैं भगवान जी को थैंक यू बोलकर आती हूँ। हाँ तो तुम थैंक यू बोलना, हम लोग खड़े हैं। क्या है, सबके सामने नहीं बोल सकती। आप लोग प्लीज जाइए ना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। पर थैंक यू बोल के पक्का आओगे ना? सेठ जी, बावरी जी जुबान की एकदम पक्की है। एक बार उन्होंने जुबान दे दी तो दे दी। चलिए बाय। नो बाय। सी यू। अच्छा सी यू। सी यू। दोस्तों मैंने आपसे कहा था ना कि ऐसा कुछ होने वाला है जो आपने सोचा नहीं होगा। भाई जेठालाल की पनौती दूर हो गई, वो भी किसकी वजह से? बावरी की वजह से। भाई जेठालाल का लेडी लग बावरी है, वो बावरी जिसके दुकान में आते ही जेठालाल आग बबूला हो जाते थे, अब हाथ जोड़ के बुला रहे। भाई उसके आते ही कस्टमर्स की लाइन जो लग जाती है। अब देखना यह है कि क्या होता है बावरी के आने से। भाई कस्टमर्स की लाइन लगेगी या नहीं लगेगी ये तो वक्त बता देगा, लेकिन क्या बागेश्वर कंट्रोल में रहेंगे? भाई जेठालाल की किस्मत में सब कुछ इतना कुशल मंगल तो नहीं होता। जब इतना कुशल मंगल नहीं होता तो आपकी हंसी का ग्राफ जरूर बढ़ेगा। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।